आज किसी का इंतजार नहीं होगा। बात को कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा आपसे सिर्फ इतना सा अनुरोध है, मैं आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं और मानिए अंतिम बार रखना चाहता हूं। और जिसने जो कहा ना मैंने माना, किसी ने कहा कि नुकसान हो जाएगा बोलने से, बाबा बोलना नहीं है तो मैं बोला नहीं, लेकिन अंदर से पीड़ा है इसलिए आज आपसे अंतिम बार बात कर रहा हूं, अपनी बात को कह रहा हूं आप लोगों से अंतिम बार। एक सच्चे मन से, अच्छे मन से मैंने एक शुरुआत करी। मैंने कहा कि एक प्रधानमंत्री जी के कहने पर लोगों ने अपने घरों में छिप गए, समर्थन किया, कोई बाहर नहीं निकला, तो क्यों ना प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2020 कमाने के लिए नहीं है, आनंद के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं है, सिर्फ जीवन को बचाने के लिए है, तो ठीक है, अच्छी बात है, जीवन को बचा रहे हैं। एक भी वर्ग बाहर नहीं निकला। मैंने किसी को वर्ग को बांटा नहीं है कि कोई गरीब है कोई अमीर है, हर वो वर्ग जिसका शोषण हो रहा है उसके लिए मैंने एक प्रयास किया कि भाई सबने अपनी जमा पूंजी खर्च करी, सबने कर्जों पे पैसे ले लेके नहीं अपनी रातें काटी, लोगों के रोजगार छिन गए हैं, लोगों की ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि बड़ी मुश्किल से शहर आए थे अपने पति अपने बच्चों को लेके, आज दोबारा से गांव की ओर चले गए पलायन करके, क्योंकि रोजगार नहीं बचा। किसी भी प्रतिष्ठान पर 30% से ज्यादा लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में टोरेंट वालों को क्या अपनी जमा ऊर्जा खर्च नहीं करनी चाहिए जिसका एक दशक से तुम शोषण कर रहे थे? एक अच्छे मन से, एक साफ मन से मैंने एक उम्मीद उठाई, किसी पे आरोप नहीं लगाया कि किसी को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस मैंने एक सच्चे मन से काम किया कि लॉकडाउन अवधि का बिल माफ होना चाहिए, और मैंने काम करना शुरू किया। आप लोगों ने मुझको 2 लाख लोगों ने देख करके मेरा समर्थन किया, तो मुझे लगा कि आगरा में 2 लाख लोग मुझे देख रहे हैं, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। एक अखबार ने मुझे नहीं छापा, एक टीवी ने मुझको नहीं छापा, एक किसी व्यक्ति ने मुझसे ये नहीं कहा कि ठीक है या नहीं, लेकिन मैंने आपके देखा कि वीडियो को 2 लाख लोग देख रहे हैं ना, तो मुझको समर्थन मिल गया आगरा। मैं टोरेंट गया, मैं DM कार्यालय गया, मैं आज आपको वो सब बताता हूं जो सच सच हुआ। मुझे आवश्यकता नहीं है अब चाहे बिगड़े या बने, लेकिन मैं सिर्फ देखा, मैंने आगरा की जनता का उत्साह कम हो रहा है, तो मैं तो आपके बीच में सिर्फ अपनी बात कहना चाहता हूं, उसके बाद इसे कोई सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने ईमानदारी से एक काम किया, मैं टोरेंट कार्यालय गया, मैंने भैया ये बिजली को बिल माफ होना चाहिए, मैंने हाथ जोड़ के खड़े है, बोले हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ज्ञापन नहीं लिया, मैंने आपको सही बताया यहां तक। अगले दिन DM कार्यालय गया, वहां भी जो हुआ मैंने आपको सही बताया, उन्होंने ज्ञापन लेके आगे भेज दिया। अगले दिन मैंने ऊर्जा मंत्री से संपर्क किया, ऊर्जा मंत्री नहीं मिले, मैंने लखनऊ में समय लिया, मैं समय लेकर के लखनऊ गया ऊर्जा मंत्री से, मैंने वहां जाके अपनी बात रखी, मैंने ज्ञापन दे दिया, मुलाकात मेरी नहीं हुई। मैंने आपको सही बताया कि मुझसे मुलाकात नहीं हुई, मैंने नहीं कहा कि मुझको चाय बिस्कुट पानी पूछा, नहीं पूछा, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं मुख्यमंत्री के पास गया, मैं उप मुख्यमंत्री के पास, किसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा, क्यों? क्योंकि मैं तो सच्चाई आपके लिए इंसानियत से लड़ रहा था, निष्ठा से लड़ रहा था, जो जनता के साथ हो रहा है वो बता रहा हूँ। 1.5 लाख, 1.75 लाख, 2 लाख आदमी मुझको देख रहे थे, आपने मुझको उत्साह देके और आपने मुझे बताया कि अब हाईकोर्ट भी जाना है, मैं चला गया, मैं नहीं माना। मैंने हाईकोर्ट में जाकर के, मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं इतना बड़ा वकील कर पाऊँ, मैंने वकील किया, और विश्वास मानो मैंने तो अपने आप को गिरवी रख के नहीं वकील किया, मेरी क्षमता नहीं थी फिर भी मैंने किया, और अब मेरा सब शोषण कर रहे हैं, सब शोषण कर रहे हैं, मेरा एक एक आदमी मेरा शोषण कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूं। कौन किस समय आ जाता है, कौन चलती कार को रुकवा लेता है, कौन अंदर आके उसमें बैठ जाता है, कोई पता ही नहीं लगता, लेकिन ईमानदारी से लड़ रहा हूं। अच्छा फिर हाँ, फिर मैं पहुंचे हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में जब मैंने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा हम 15-16 तारीख तक इस काम को करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप वीडियो मत बनाना, क्योंकि वीडियो बनाओगे तो पब्लिक के लिए बात जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने कि भैया नहीं बनाएंगे वीडियो, 20 तारीख तक 22 तारीख तक कोई वीडियो नहीं बनाई, लोगों में उत्साह कम हो रहा था, फिर वीडियो बना के कहा कि आप परेशान मत हो, लड़ाई चल रही है, फोटो छपे नहीं छपे, अखबार में आए नहीं आए, काम होना चाहिए, काम के लिए लड़ रहे हैं ना सब लोग, तो काम के लिए लड़ रहे थे, काम के बाद में सब काम किए। फिर उन्होंने कहा कि अब आपको वहां जाना है इलाहाबाद, चले गए, पूरी दोपहर ही हो गई, खाना नहीं खाया, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर,
चारों कोनों में भाग रहे थे और सोच रहे थे कि 2 लाख लोग संघ दे रहे हैं, इसलिए निराश नहीं होना है। अपना काम कर रहे थे, किसने क्या किया, किस नेता ने क्या किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, मैंने आपका कभी कोई सहयोग नहीं लिया, मैंने आपका कभी बुरा नहीं किया किसी का भी, और मेरे लिए आप बुरे नहीं हो। लेकिन आगरा के भले की बात थी, उन सब ने आपको विश्वास से इसलिए चुना कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। नहीं करते कोई बात नहीं है, मैंने अच्छे मन से काम किया, मुझको कहीं चुनाव नहीं है जो मुझको इसका कोई लाभ लेना है। बस मेरा तो सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं तो निष्ठा से काम कर रहा था केवल आपके लिए। मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है। उसके बाद में मुझको कहा गया कि हम लोग 25 तारीख हमारी 24 को सुनवाई है, 24 को हमारी फाइल को दबा दिया उन लोगों ने, नहीं हुई सुनवाई, 25 आई। हम मई 24 तारीख को यहाँ पे टोरेंट वाले आ गए लाइट को काटने के लिए मंदिर के, और मुझसे पूछने लगे कि हाँ यह मीटर कहाँ लगा हुआ है। हमने कि मीटर मंदिरों पर कहाँ होता है, कौन बिल देता है, फोन मत करो हमको, फोन आ रहे हैं तो वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है। हमने कि किस धार्मिक स्थल पे है मीटर, तो उन्होंने चारों मंदिर में फैल गए चारों जाके, और कहने लगा मुझे नहीं पता कि धार्मिक स्थल है, हिंदू का स्थल है, मुस्लिम का, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझको ऑफिस से भेजा कि यहाँ की लाइट को मुझको हटाना है। हमने वीडियो बनाना शुरू किया, वो भाग गए। उसके अगले दिन हम लोग हाईकोर्ट चले गए, मैंने वीडियो से आपको अवगत कराया। हाईकोर्ट जाने के बाद मैं सुबह शाम तक ऐसे भटकता रहा, और शाम को आई तो उसमें उन्होंने 6 तारीख लगा दी। मुझे बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ, 6 तारीख लगाई उन्होंने। 6 तारीख हो गई, मैंने 6 तारीख का इंतजार कर लिया। अब उन्होंने 6 तारीख लगाई है, 6 तारीख आपकी हाई कोर्ट की है। मैं पल पल करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मरता जा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आगरा के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध था कि मेरे उत्साह को, अरे भैया 36 मरीज है वहां में ऐसे हॉस्पिटल में, 850 सरकारी डॉक्टर और 2000 जूनियर डॉक्टर लगे हुए हैं, बिनको इलाज ना कर पाए, बिनको उत्साह इतने बढ़ा रहे हैं कि बिनके कादे फूल बरसा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। मैं तो इतनी निष्ठा से लगाऊ, मुझे आपके सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहिए था। साथ कैसे देना चाहिए था, मैं किसी भी रास्ते से मैं रोज निकल रहा हूं और देखता हूं जाकर के कि कोई बिल तो नहीं भर रहा है, किसी ऑफिस पे कोई बिल तो नहीं भर रहा है। मैं जाकर के जब देखता हूँ ना, तो वहां पर इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है, जब लोगों का उत्साह ही खत्म हो जा रहा है, तो मैं काय के लिए हाईकोर्ट गया, मैं काय के लिए इनका बुरा बना, मेरी समझ में ही नहीं आती मैंने फिर ऐसा क्यों किया। मैंने आपके कहने पे आकर के आपके उत्साह को देखते हुए जो मैं वहां तक गया, मेरा आप कोई साथ देने वाला नहीं है, मेरे साथ में कब कौन क्या करते पता नहीं। 2 लोग रात में सोते नहीं है मंदिर पर, सिर्फ इसलिए इंतजार करते हैं कि बाबा को कुछ हो नहीं जाए। सभी लोग अपनी 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 क्षमता के अनुसार लगे हुए हैं, मेरा तो सिर्फ इतना ही काम है। यदि मेरा उत्साह बढ़ता ना, तो मैं जीत के लौटता। मैंने अपने आप को गिरवी रख के आगरा की लड़ाई लड़ी है, मेरी क्षमता नहीं है ऐसे वकीलों करने की, फिर मुझसे मेरा हर कोई शोषण कर रहा है। मैं आप सब सुन रहे हैं इस पे और सब सुनेंगे इस पे, क्योंकि नजर रखते हैं, जैसे ही मैं कुछ कहूंगा तो फिर मेरा शोषण शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर मैं आज आपसे बता देता हूँ, सभी लोग मुझ पे नजर रखे हुए हैं, कौन क्या करे कोई पता नहीं है, कौन तीसरा आके इसको दुश्मनी को निकाल ले वो भी पता नहीं है। मेरा बस इतना सा काम था, आप मेरा उत्साह बढ़ा देंगे ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लला कोरोना आ गया है, वो बजाओ बांस बंदूड़े तमूड़े क्यार घंटी घड़ियाल बजाओ मोमबत्ती जलाओ। आपने जलाई, देश का उत्साह बढ़ाया आपने। चला गया क्या, नहीं गया ना, अभी भी है शहर में। उन्होंने कहा कि आप अब मोबाइल चलेंगे, तो आपने जलाए, लाइट बंद करेंगे तो आपने करी, गया नहीं गया ना। उनका उत्साह वर्धन हो रहा था, लेकिन मेरा उत्साह वर्धन नहीं हुआ। कभी किसी ने नहीं निकाला उसका दर्द, नहीं अखबारों का टीवी का कोई दर्द नहीं, मैं जानता हूँ क्यों नहीं निकालते, लेकिन दर्द तो मुझे ये है कि जो आपने 2 लाख लोगों ने मुझको समर्थन किया ना, 2 लाख लोगों ने देखा ना, आज या तो उनमें से कुछ लोग बिल जमा करे आए और अब उनको इस लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर अब वो चाहते नहीं है कि मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। तो मैं क्यों हाईकोर्ट तक जाऊं, क्यों जाकर के वहां परेशान हूं, भूखा प्यासा पड़ा रहता हूं, नंगे पैर इधर से उधर भागता हूं, क्यों इतना परेशान होऊंगा। मेरी आपसे सिर्फ इतनी अनुरोध है
सबका मन की करते हो, सबके मन की करते हो, लेकिन अपना छप्पर नहीं बांधा जाता। आपने अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो। ये तो आपके घर की बात थी ना, आपके लिए लड़ रहे थे ना। आपके स्कूल की फीस है, आपके मकानों के किराए हैं, आपके राशन के खर्चे हैं, आपके लाइट के बिल हैं। इसलिए कुछ राहत आपको देनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री को अपनी जमा ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। अरे जीवन में पहली बार ऐसी बीमारी आई। मैं दुनिया के लिए घंटे घड़ियाल बजाए हैं, लेकिन एक बार अपने लिए भी तो करो, अपना छप्पर भी तो बांधो। अपना जो छप्पर खुल गया है, कैसे? एक आदमी था, बहुत बड़ा बनता था। उसने कही, मेरा जन्म छोटे मोटे काम के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म बहुत बड़े काम के लिए हुआ है। तो उसकी एक पत्नी एक दिन बोली, ए जी सुनो, ये छप्पर खुल गया है न, किसको बांध दे, जो गिर जाएगा किसी दिन तो मान की तू पागल हो गई है। मेरा जन्म क्या इस छोटे काम के लिए हुआ है, मैं छप्पर बांधूंगा। वो तांत्रिक विद्या का काम करता था। इतनी देर में उसका कोई एक ग्राहक आया जो अपना भूत उतरवाने आए। उसने कहा, चल चल तू अंदर हो जा, अंदर हो जा, मेरा क्लाइंट आ रहा है, मेरा ग्राहक आ रहा है, तो मैं उसको सुनूंगा। वो आ गया भैया, वो बैठ गए, तो उसने अपना झाड़ फूंक सब निकाल लिए और क्या कहने लगा, आताल बांधू, पाताल बांधू, धरती बांधू, आकाश बांधू, सब बांधू। लेकिन इतनी देर में उसकी पत्नी निकल के आई और बोली, तुम पे वो छप्पर तो बना नहीं है घर का, तुम आताल पाताल को बेशक बांधते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसी प्रकार हमने लाइटें बंद कर दी, हमने घंटे घड़ियाल बजा दे उत्साह बढ़ाने के लिए कि शायद चला जाएगा, लेकिन मेरा उत्साह नहीं बढ़ाया गया। मैं तो तुम्हारे छप्पर को बांधने के लिए लगा था, लेकिन अपना छप्पर नहीं बांधा गया। मैं 6 तारीख डेट पड़ी है उसमें, कई लोगों ने मेरी आज पे अभी तक बिल जमा नहीं किए हैं, लेकिन मेरा उत्साह कम हो गया है। अब मुझको 50,000 लोग ही देखते हैं, इसका मतलब 1.5 लाख लोगों ने या तो बिल भर दिया है। हर जगह पे जाकर के मैंने देखा है कि मैंने कहा कि आप 30 तारीख तक जब तक हमारा कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक आप रोज एक टोरेंट के लिए पोस्ट डालो, और कोई भी फेसबुक खोले तो उसे लगना चाहिए मेरा नाम नहीं हो, लेकिन टोरेंट का तो विरोध होना चाहिए। लेकिन एक दिन दिखता है, दूसरे दिन नहीं दिखा, मेरा उत्साह कमजोर हुआ। तो मुझे लगा कि फिर मैं काय के लिए, मैं हाईकोर्ट में ना कमरा मिलता है ना मैं रोटी मिलती है, तो मैं काय के लिए मैं जाऊं, सब अपनी जान बचा रहे हैं कोरोना से, तो मैं काय के लिए जान लगाने में लगाऊं। मेरा अगर उत्साह होता तो मैं काम करता और जीत के लौटता। मैं आपके कमेंट एक दो पढ़ लेता हूं। आप जैसा कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज की अपील चाहता हूं। मैंने अंतिम वीडियो अपनी ओर से बनाया है। 6 तारीख को क्या होगा, सुनवाई को मैं जरूर सुनने के लिए हाईकोर्ट जाऊंगा। क्या होगा मैं जाऊंगा, मेरा शोषण जितना 6 तक होगा मैं करवाऊंगा। लेकिन है ना, जब किसी को कोई खरीद नहीं पाता है ना, तो उसको रास्ते से जरूर हटा देते हैं। मैं रास्ते से हट जाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं काम करूंगा आपके लिए, लेकिन वीडियो अंतिम होगा। या तो उत्साह में आपका ऐसा लगना चाहिए कि उत्साह हो रहा है लोगों को, आगरा की जनता को भरोसा है। बिल जमा करना, मुख्यमंत्री जी ने विनियावली में बदलाव कर दिया है। जो चीजें 30 जून तक थी वो अब 31 अगस्त तक हो गई है। 31 अगस्त तक अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो आपकी लाइट नहीं कोई काट सकता है, और आए ना कोई लाइट काटने तो उसको अपने घर से प्लास निकाल के दे दो और एक वीडियो बनाओ उसका कि देखो मेरे घर की लाइट काट रहा है। परेशान मत हो, मैं तो खड़ा था ना, लेकिन मेरा उत्साह नहीं बढ़ाया, इसलिए मुझे कमजोरी महसूस हुई। मुझे आवश्यकता किसी की नहीं थी, लेकिन आगरा की आवश्यकता थी। ऐसे में मेरा आपसे बस इतना विनम्र अनुरोध है, कल 30 तारीख है और मैं कल राजा मंडी के वहां जो चौराया है ना, वहां जाऊंगा सुबह 10 बजे, और मैंने एक तख्ती बनवाई है, उस पर मैंने लिखवाया है, लॉकडाउन अवधि का बिल आगरा की जनता नहीं देगी, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक बिल नहीं देंगे। और मैं कल राजा मंडी पे अकेला जाऊंगा, उस तख्ती को लेकर पूरे 15 मिनट खड़ा रहूंगा, और उस तख्ती को लेकर के जो भी इस रोड से निकलेगा वो उसे मुझे देखेगा, और मैं आगरा का फिर से एक बार उत्साह बढ़ाऊंगा और कहूंगा आगरा बिल नहीं देगा लॉकडाउन का। और क्योंकि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, 6 तारीख को तुम्हारी सुनवाई लगी है, जाऊंगा चाहे तुम अभी सुनो या नहीं सुनो, पर वीडियो मेरा आखिरी होगा। लेकिन मैं फेसबुक चलाऊंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, देखूंगा कि लोगों में उत्साह आया या नहीं, लोग अपने लिए कुछ चाहते हैं या नहीं। अब यदि मुझे लगा कि अब फेसबुक पर लोग लिखने लगे हैं और टोरेंट को बुरा मानने लगे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, कोई लड़ नहीं सकता उससे, साम दाम दंड भेद सब अपना लेगी, तुम नहीं करोगे तो मरवा देगी, इतनी बड़ी कंपनी है। लेकिन मैं बस एक आखिरी उम्मीद, कल मैं जाऊंगा राजा मंडी के चौराहे पर, मैं तख्ती लेके खड़ा रहूंगा। अगर मेरा समर्थन करना चाहते हो,
अगर मेरा उत्साह बढ़ाना चाहते हो ना तो बस इतना कर देना, तुम भी एक तख्ती बनाओ, अपने पेन से लिखो जिस जगह पे रहते हो, उस गली में, उस मोहल्ले में, उस बाजार में, उस रोड पे, और बस एक तख्ती लेके अकेले खड़े हो जाओ। लॉकडाउन अवधि का बिल हम नहीं देंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में, विचाराधीन है हाई कोर्ट में, इसलिए नहीं देंगे। जब तक मेरी सुनवाई नहीं हो जाए, हम हार जाए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाने तक की हिम्मत रखता हूँ, लेकिन तुम मुझे हराओगे तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा बस अनुरोध स्वीकार करिए, कल 30 तारीख को सुबह 10 बजे जहां भी हम लोग हों वहां एक तख्ती लें, बनाएं, उस पर लिखें लॉकडाउन अवधि का बिल हम नहीं देंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, और खड़े हो जाओ 15 मिनट के लिए उस जगह पे, फिर मेरा उत्साह अगर बढ़ता है तो मैं काम ऐसे करूंगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा आप आगरा को और आपको, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और फिर यदि मुझे लगा कि कल लोगों ने मुझको समझा, तो आप देखिएगा कितने बड़े उत्साह से, कितने जोश के साथ आपके लिए आऊंगा और मजबूती से आगरा की लड़ाई लड़ूंगा। किसी की आवश्यकता नहीं है, मैंने ये देखा, यदि कोई एक दूसरे की लोग मदद करना चाहते हो, ईमानदारी से अगर मदद करना चाहते हो ना, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कछु दूर नहीं है, नंगे पैर भी आदमी जा सकता है जो मदद करना चाहता हो। मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध मैंने कर दिया, ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं। यदि मुझे कल तक उत्साह मेरा वर्धन हुआ तो 6 तारीख तक ये टोरेंट वाले, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, लेकिन जी हमें रोक नहीं पाएंगे, और जो इनका मन करे मार दे गोली, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगरा की जनता मेरे संग होनी चाहिए, तो फिर देखो कैसा आनंद आएगा। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, बस मुझे अच्छा लगा। अंतिम बार मेरी तरफ से अंतिम बार है, जो लोग सुन सकते हैं तो आगे भी भेजने का अगर काम करेंगे तो हर वर्ग तक ये बात पहुंचेगी। ये मेरा दर्द है, जो मैं आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? मेरे मैया बाप नहीं है, मेरे चाचा ताऊ को छोरी छोरा नहीं है जो आके कहेंगे कि बाप, मेरे तो सिर्फ आप हैं। इसलिए कह रहा हूं आपसे, यदि हो सके तो इस काम को करिए, सुबह 10 बजे जहां मन करे, गली मोहल्ला चौराया, वहां जाइए, इस बात को उठाइए, और रोज एक पोस्ट ऐसी डालिए, यदि मुझे 2 दिन में लगेगा कि हाँ काम चल रहा है, अरे कोई लाइट का काट नहीं आए तो उसके पकड़ा दे प्लास, काट के दिखाओ और वीडियो बना, काट नहीं सकता 31 अगस्त तक। अब तो टोरेंट को लगा कि हम हार जाएंगे, मर जाएंगे, तो दे रही है लालच 1 महीने के बिल को माफ करने का, उसको माफ करने का, फिक्स चार्ज को मत करे बिल जमा, मेरी जिम्मेदारी है, जिताए के लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सारा गिरवी, कुछ भी नहीं बचेगा शरीर में तो सब गिरवी रख दूंगा, लेकिन जिताऊंगा, ये बात की बात आन पड़ी है तो फिर कछु हो जाए। और मैंने पहले कही, सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे भगवान राम हो, कोई भी हो, सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध। तय कर लीजिए, मैं बस आखिरी बार हूँ आपके साथ, यदि मुझे लगा 2 दिन में हाँ कि उत्साह हुआ तो मैं काम करूंगा और ईमानदारी से करूंगा, अन्यथा आप बालियों की आपको टोरेंट के विषय पे नहीं मिलेगा। और हाँ, बेकार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खरीदने की अभी औकात नहीं है लोगों की, कमजोर नहीं हुआ हूँ, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उत्साह नहीं हुआ इसलिए मैं परेशान हूँ। धन्यवाद, आपने सुना।